नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल ने गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा चेजा पत्र की खान को संगमरमर की बताकर किया घोटाला। भीलवाड़ा के आसीन में बालाजी नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, शिविर में 180 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। डूंगरगढ़ में ज्यादा बरसात से फसल का नुकसान, लगातार पांचवें दिन से बारिश जारी, खेत में बाजरे मोट तिलन की खेती भी हो रही है खराब। और खबरें विस्तार से। भाजपा ने प्रदेश में खनन विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरा है। इसके लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सीकर में कांग्रेस नेता और प्रतापगढ़ में आवंटित की अन्य में घोटाले का आरोप लगाया और इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की है। सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार शय पर खान विभाग के अधिकारियों ने सीकर में कांग्रेस के दिग्गज नेता को लाभ पहुंचाने के लिए चेजा पत्थर की खान की कैटेगरी चेंज कर दी और उसे संगमरमर की खान बता दिया। मामला खुला तो इसे चेजा पत्थर की खान की कैटेगरी में डाला गया और 243 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। मामला कोर्ट पहुंचा तो विभाग को मामले पर निर्णय लेने के लिए आदेश भी दिया गया। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के डग में गणेश उत्सव की धूम रही। मंशा पूर्वक गणेश मंदिर में हुई भजन संध्या में जमकर श्रद्धालु झूमे। इन दिनों कस्बे सहित क्षेत्र में गणेश उत्सव की धूम, जिसके चलते गणेश चौक स्थित मंशापुरम गणेश मंदिर पर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में भजन संध्या का आयोजन किया और देर तक चली भजन संध्या में युवा भजनों की धुन पर नाचते दिखाई दिए। घड़साना से खबर, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत पत्रोड़ा में वार्ड संख्या 10 में बाबा रामदेव मंदिर के इलाके में समाज सेवी चंदन सोनी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रामजीलाल की याद में कमरे का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा ने किया। इस मौके पर बाबा की आरती की गई और प्रसाद व लंगर का वितरण किया गया। वहीं भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह मल्ली और अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नूपगढ़ व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भजनलाल कामरा, गुरमीत चहल, सरपंच पत्रोड़ा, युवा नेता दीपक सोनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के आसीन से खबर, जहां करेड़ा क्षेत्र के शिवपुर में बालाजी नवयुवक मंडल शिवपुर द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के प्रति युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, रक्तदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर संजय तिवारी, राजेंद्र सिंह, मुकेश गुजर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां शहर का मुख्य बस स्टैंड सिरोही, जिसकी हालात देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। भाजपा का पिंडवाड़ा नगरपालिका में बोर्ड होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिंडवाड़ा शहर का सिरोही रोड मुख्य बस स्टैंड की हालात देखकर आप भी खड़े नहीं रह पाएंगे। जगह जगह पर टूटी हुई रोड, कहने के लिए बस स्टैंड है लेकिन न तो कोई सफाई की व्यवस्था और न ही कोई बैठने लायक जगह। आसपास के गांवों के लोग आने जाने के लिए एकमात्र यही बस स्टैंड है लेकिन यहाँ इतनी गंदगी है कि खड़ा रहना भी मुश्किल है। भाजपा का नगर पालिका बोर्ड होते हुए भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पिंडवाड़ा से खबर, जहां नगरपालिका पिंडवाड़ा के पार्षद जनहित के मुद्दों को लेकर अधिशासी अधिकारी दीपिका बेरवाल के चैंबर में चर्चा करने गए। उसी दौरान अधिशासी अधिकारी ने पार्षदों के साथ अभद्रता की, जिसको लेकर नगरपालिका पार्षद में भारी रोष व्याप्त देखने को मिला। वहीं शहर के छिंपा समाज के धर्मशाला में पार्षदों द्वारा आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और प्रशासन से मांग की कि अधिशासी अधिकारी बेरवाल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां उदरासर गांव में ज्यादा बरसात से फसल का नुकसान हो रहा है, लगातार पांच दिन से यहां बारिश जारी है, खेत में बाजरे मोट तिलहन की खेती खराब हो रही है। यही हालात गांव में है, यहां नीची जगह पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया। माताजी मंदिर के आसपास दुकानों और घरों में पानी घुस गया, खेतों में सभी खेत पानी से भर गए हैं। ज्यादा बारिश से किसान बहुत चिंतित है। यह क्षेत्र में खेती के साल में एक ही बार होती है, वहीं सिंचित क्षेत्र नहीं है। अगर फसल खराब हुई तो जाहिर है कि किसानों का बड़ा नुकसान होगा। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सुबह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास के बीकानेर प्रवास से जयपुर जाते वक्त डूंगरगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार व आरटीआई जागरूकता संगठन श्री डूंगरगढ़ ने मुलाकात की। जिला अध्यक्ष ललिता सिंह और ने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया। संगठन द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को श्री डूंगरगढ़ प्रशासन के कुप्रबंधन के बारे में भी ज्ञापन दिया गया और अवगत करवाया। संगठन के जिला उपाध्यक्ष विमल चौरड़िया व तहसील अध्यक्ष श्रावण सिंह
पुंदल सर ने अवगत करवाया कि डूंगरगढ़ में उपखंड अधिकारी से लेकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तक श्री डूंगरगढ़ का पूरे प्रशासन के रग रग में भ्रष्टाचार पूर्णता व्याप्त है। आमजन को हर जगह से हताश होना पड़ता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।